जज्बाए कबाब सना से कैसा है, तुझको खौफो हरास कैसा है, मुफलिसो के खुलूस को देखो ये न देखो लिबास कैसा है। तुम्हारे शहर का, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, खुदा करे उसे बाजार की हवा न लगे। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, गजल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पड़ी हमारे कवाल साहब ने, तो एक बिल्कुल नई गजल मैं भी पेश कर रही हूँ। कवाल साहब, हकीक साहब, गजल सुनिएगा। वैसे मैं इस लायक तो नहीं हूँ, मगर आज आपके मध्य मुकाबिल हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा आप भी, अच्छा लगेगा। कहना है क्या, इधर देखिए। अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे देखो, तुम्ही तुम मिलोगे जिधर जाएंगे, गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, गली क्या जहां से गुजर साथ छूटा तो मर जाएंगे। देखकर थोड़ा सा बैठेंगे आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं मुस्तफा साहब के साहबजादे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए मेन माइक में हविंग होने लगी, बहुत अच्छा बोल रहा था, हविंग कैसे होने लगी। वाह, कहना है रंगे महफिल की बेरंगिया देखकर, आप अब तक कहाँ रहे साहब, अजी देखने को तरस गए साहब, मुझको बर्बाद करने आए थे खुद ही बर्बाद हो गए साहब, खुद है बर्बाद हो गए साहब। कहना है हकीक साहब, कहानी भी हकीकत हो गई क्या, कहानी भी हकीकत हो गई क्या, मेरे ऊपर इनायत हो गई क्या, और शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई क्या, तुम्हें इनसे मोहब्बत हो गई क्या। मुस्तफा साहब और सेठ साहब, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत
दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, और बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। बिछड़ने का ये बार बार अपनी नजरें बचा रहे हैं, नजरें हटा रहे हैं, तो कहना है खुद को इतना भी मत बचाया कर हकीक साहब, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर, और कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। कम से कम हाथ तो मिलाया। लीजिए गजल के सुनकार हैं तो सबूत देंगे आप सभी लोग, मैं तवज्जो चाहती हूँ, मतलब पेश कर रही हूँ, हकीक साहब आप भी सुनेंगे, आप सभी लोगों से तवज्जो चाहती हूँ, कहना है क्या। ये रास्ता मेरे प्यार की, तुम्हें गले से लगाने के बाद आया है, सुकून कितने जमाने के बाद आया है, तुम्हें गले से लगाने के बाद आया है, सुकून कितने जमाने के बाद आया है, ये नूर जिसमें मेरे ऐब देखते हो तुम, मेरे चिराग जलाने के बाद आया है। गले का हार होना चाहती हूँ मुस्तफा साहब, गले का हार होना चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार होना चाहती हूँ, गले का हार होना चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार होना चाहती हूँ, सुना है डॉक्टर तुम बन गए हो, वे सुना है डॉक्टर तुम बन गए हो, मैं फिर बीमार होना चाहती हूँ। अभी ये मोबाइल की कुछ बातें कर रहे थे, लड़कियां मोबाइल में इतनी पागल रहती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया है ना, कहना है हम ही हम दिल पे छा गए थे क्या, हकीक हम ही हम दिल पे छा गए थे क्या, हम तुम्हें इतने भा गए थे क्या, और क्यों अचानक से कट किया था फोन, सामने अब्बा आ गए थे क्या। तवज्जो चाहती हूँ जितने भी बैठे हुए हैं आप सभी लोगों से, सभी लोगों से तवज्जो चाहती हूँ, मुस्तफा साहब के साहबजादे सामने बैठे हैं, कहना है क्या। ये रास्ता मेरे प्यार की, ये रास्ता मेरे प्यार की, ये रास्ता मेरे प्यार की, पहचान हो गया हो गया।
पहचाने हो गया जाता। तेरी गजलों की कशिश थी जो पलट कर देखा, तेरी गजलों की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज को तो दोबारा नहीं देखा जाता। ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रही हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रही हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। Thank you.
समझ जाती हूँ। कहना है क्या, मुद्दत हुई है लौट के आए नहीं है घर, याद करके दिल उनको याद करके दिल उनको याद करके परेशान हो गए। शेर में अपनी माँ बहनों के लिए पेश कर रही हूँ और हमारे मुस्तफा साहब की बेटी और बहू अगर महफिल में हैं और वाइफ हैं तो वो भी सुनेंगी क्योंकि मुझे बहुत मोहब्बत बहुत प्यार से नवाजा इन लोगों ने आज। वाकई में जब जब इस एतराफ में आई हूँ तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यूपी से आई हूँ, ये मेरा प्रदेश है, मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने। इतनी मोहब्बत मुझको यहाँ मिली, मेरी बहनों ने मेरी भाभियों ने दी, मैं पेश कर रही हूँ। कहना है क्या, सबने गले लगा लिया परदेश में मुझे, हौसला अफजाई जरूर करेंगे। और मुस्तफा साहब के साहबजादे से भी मैं तवज्जो चाहती हूँ, मुमताज साहब नाम है ना, मुमताज साहब मैं आपसे भी तवज्जो चाहती हूँ। कहना है क्या, सबने गले लगा लिया परदेश में मुझे, ¡Gracias!
वालिद और वालिदा का साया। हाथ दुआएं आपके साथ रखे हमेशा। जितने भी इस महफिल में अपनी माँ को चाहने वाले या चाहने वालियां हैं, इस शेर को जरूर सुने। कहना है सबने गले लगा लिया, सफर आसान हो गया। कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हम कलंदर हैं जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करते रहते हैं, मोहब्बत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। छुपके तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है? अब समझ में आया तेरी की मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या है। बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा। माँ से जो पूछे तेरे दूध की कीमत क्या है। लाख नमाजें पढ़ लो, इबादतें कर डालो, हज उमरा कर डालो, जकाते बांट डालो, रोजे रख डालो, फिर भी रायगा होगी तेरी हरने की। रायगा होगी तेरी हरने की जिंदगी में अगर उसूल नहीं। रायगा होगी तेरी हरने की जिंदगी में अगर उसूल नहीं। माँ तेरी तुझसे हो नाराज अगर तेरा हज भी कभी कबूल नहीं। खोल के देखिए तारीख जरा, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। दुनिया में कोई शय अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो माँ बाप से प्यारी हो? बताइए, बनाई है अल्लाह ने? नहीं। कोई शय ऐसी अल्लाह ने दुनिया में बनाई है जो माँ बाप से प्यारी हो? पता नहीं बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। बीवी बार बार मिल जाएगी, बच्चे बार बार आ जाएंगे, मगर जो ये दौलत खुदा ने हमें ये जो नेमत अता किया है, अगर एक बार गए तो वापस नहीं आते। वो बहुत खुशनसीब बहने हैं, भाई हैं, जिनके सरों पे माँ बाप का साया है। उन बच्चों से पूछिए जिनके ना बाप ना माँ, वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह से रहते हैं। कोई मशवरा देने वाला नहीं, कोई राह दिखाने वाला नहीं, फिर भी रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, उन बच्चों से पूछिए। कहना है खोल के देखिए तारीख जरा, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। और ये आखिरी शेर पेश कर रही हूँ, मेरी जिंदगी से वाबस्ता है, मैं पेश कर रही हूँ। कहना है जो लोग मेरी जान के दुश्मन थे ऐ नसीब, अभी 2-3 महीना पहले मेरे साथ बहुत सारे हादसे गुजरे हैं। वाह, इसको कैमरे में कैद कीजिए जरूर। कुछ ऐसे हादसे मेरी जिंदगी में कुछ महीनों में गुजरे हैं, वो अब गैरों को तो फुर्सत नहीं है, अपनों के पास बहुत मोहलत होती, बहुत टाइम होता है। लोगों ने ऐसी ऐसी अफवाह फैला दी कि रीना परवीन ने गाना बजाना बंद कर दिया,
रीना परवीन का एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे प्रोग्राम वालों के कि मेरा प्रोग्राम खराब हो गया, फलाना फलाना लेडीज आई थी, मेरा काम खराब हो गया। हद तो तब हो गई कि जब ये कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था वो मर गए, क्योंकि इसमें बहुत ताकत होती है, इसमें बहुत ताकत होती है। लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर देते, इतने गिर जाते हैं, उनका जमीर मर जाता है। इसमें बहुत ताकत है, सिर्फ चंद पैसों के लिए लोगों ने अफवाह फैला दिया कि पैसे तो मिल जाएंगे, रीना परवीन की जगह पे दूसरे को ले जाएंगे, 5-10 हज़ार रुपए के चक्कर में पैसे तो जेब में आ जाएंगे। प्रोग्राम खराब होगा तो होता रहे, एक बार गा के आएंगे दूसरी बार नहीं जाएंगे, मगर 10-5 हज़ार तो मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे अफवाह लोगों ने फैलाई, मगर खैर कोई टेंशन नहीं, जिसके साथ दुआओं का अंबार रहता है ना, तो लोग चाहे जितनी कोशिशें कर ले नाकामयाब रहते हैं। ये मेरी माँ बाप की दुआओं का साया है, फैज है, मेरे उस्ताद हाजी आतिश मुराद साहब की दुआओं का फैज है, जो कि डुबोने की कोशिश तो बहुत लोगों ने की, मगर उनकी दुआओं ने उभार दिया। मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, मगर मैंने सुना है कि वो दुनिया में नहीं रहते हैं, मगर दुआएं साथ रहती हैं। कहना है जो लोग मेरी जान के दुश्मन थे ऐ नसीब, दुश्मन थे ऐ नसीब, जो लोग मेरी जान के दुश्मन थे ऐ नसीब, उनकी वफा पे दिल मेरा, उनकी जाहिलियत पे फिर भी मुझे मोहब्बत आ रहा है, उनकी इस गलती पे भी मुझे मोहब्बत आ रहा है, उनकी वफा पे दिल मेरा, उनकी वफा पे दिल